ग्लोमस ट्यूमर आपके नाखून के नीचे होने वाला एक ऐसा ट्यूमर है जिसमें आप काफ़ी परेशान हो सकते हो। ग्लोमस ट्यूमर एक ग्लोमस बॉडी होती है आपके नेल के पल्प में या नाखून के नीचे, वो एक सेंसिटिव स्ट्रक्चर होता है और वो जो ग्लोमस बॉडी होती है उसमें ओवर ग्रोथ हो जाती है, ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाता है। इसको हमारे टाइम हमारी भाषा में हेमाटोमस ग्रोथ बोलते हैं। इसमें छोटी छोटी नसें होती हैं जो बढ़ जाती हैं, जिसको न्यूरो मायो आर्टीरियल प्लेक्सस बोलते हैं, और ये मरीज़ को काफ़ी तेज दर्द नाखून के नीचे दे सकता है। इस तकलीफ़ में तीन प्रमुख लक्षण होते हैं। पहला, बहुत तेज कप कपाने वाला दर्द अगर आपके नाखून के नीचे हो रहा है। दूसरा, अगर जहाँ पे तकलीफ है वहाँ पे टच करने पे मरीज़ को बहुत ज़ोर से दर्द होता है, जिसको हमारी भाषा में लोकलाइज्ड टेंडरनेस बोलते हैं। और तीसरा, अगर ठंडी चीज़ को छूने से आपके नाखून में करंट जैसा महसूस होता है, जिसको हमारी भाषा में कोल्ड सेंसिटिविटी बोलते हैं। अगर आप बर्फ़ को छू देंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे पूरी उंगली में आपके करंट सा महसूस हो रहा है। तो ये तीनों लक्षण जो हैं वो ग्लोमस ट्यूमर के लक्षण होते हैं। अब जो ठंडे के अगेंस्ट सेंसिटिविटी है, ये सबसे अच्छा और सबसे सेंसिटिव लक्षण है। अगर ये आ रहा है तो ज़्यादा चांस ये है कि आपके नाखून में जो तकलीफ है वो ग्लोमस ट्यूमर हो सकती है। ग्लोमस ट्यूमर बहुत आम, ये बहुत कॉमन तकलीफ नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली हम ये मानते हैं कि करीबन 5-6% नाखून में जो ट्यूमर्स होते हैं वो ग्लोमस ट्यूमर होते हैं। परंतु यह बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए जानना, क्योंकि यह डायग्नोस करना बहुत मुश्किल होता है और ये एक बहुत कॉमन मिस्ड डायग्नोसिस है। मतलब ये जो बीमारी है इसका डायग्नोसिस नहीं हो पाता है। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है और जो तीन लक्षण मैंने बताए हैं वो लक्षण आ रहे हैं, तो आइडियली आपको MRI स्कैन, स्पेसिफिकली 3 टेस्ला MRI स्कैन जो है वो नाखून का कराना चाहिए, जिसमें आपको 2 या 3 या 4 मिलीमीटर की छोटी सी ग्लोमस ट्यूमर नाखून के आसपास वाले हिस्से में दिखाई दे सकती है। कभी कभी ये उंगली के टिप पे भी हो सकती है, कई बार नाखून के नीचे हो सकती है, कई बार नेल बेड के नीचे हो सकती है। तो इसका जो लोकेशन है वो थोड़ा अंदर चेंज हो सकता है, परंतु आपको एक चमकता हुआ सा, अगर आप MRI कराते हैं हाई रिजोल्यूशन में, तो चमकता हुआ सा एक छोटा सा स्ट्रक्चर आपको नाखून के आसपास दिख जाएगा। अगर MRI में ये डायग्नोसिस कंफर्म होता है तो आइडियली इस चीज़, इस तकलीफ को मिटाने का सबसे अच्छा तरीका जो है एक माइक्रोस्कोपिक सर्जरी है, जिसमें हम लूप माइक्रोस्कोप के अंडर जो आपका ट्यूमर है उसको दूरबीन के द्वारा निकाल देते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक रिसेक्शन या लूप मैग्निफिकेशन के साथ जो रिसेक्शन होता है वो सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है, जिसमें हम काफ़ी वाइड एक्सीशन कर सकते हैं जिससे यह तकलीफ वापस से ना आए। आमतौर पे सर्जरी में हम 2 तरह के अप्रोचेस देखते हैं, एक ट्रांस एंगुलर अप्रोच होती है, एक पेरी एंगुलर अप्रोच होती है। ट्रांस एंगुलर का मतलब होता है कि हम नाखून के बीच में से जा रहे हैं, और पेरी एंगुलर का मतलब होता है हम नाखून के साइड में से जा रहे हैं। अब डिपेंडिंग ऑन द केस हम अपने हिसाब से प्लानिंग करके अपना जो अप्रोच होता है वो अप्रोच लेते हैं। परंतु जो सर्जरी है उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। आपको जो पिंच एंड नीडल सेंसेशन होता है, जो तेज दर्द होता है, टच करने पे बहुत करंट जैसा महसूस होता है, और ठंडी जो बर्दाश्त नहीं होती नाखून पे, वो सारी तकलीफ़ें ठीक की जा सकती हैं। वापस से दोबारा होने का चांस भी, जैसे मैंने बताया, अगर हम माइक्रोस्कोप के अंडर में ये सर्जरी करते हैं तो ये चांस काफ़ी कम रहता है। साथ ही साथ एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि कई बार इन मरीज़ों में नाखून से रिलेटेड एबनॉर्मलिटी देखी जा सकती है। नाखून लाल हो जाना, नाखून में डिफेक्ट आ जाना, नाखून स्प्लिट हो जाना, इस तरह की छोटी मोटी नाखून से रिलेटेड तकलीफ जो है इन चीज़ों में या इस बीमारी में या इस ग्लोमस ट्यूमर में देखी जा सकती है। दोस्तों, अगर आपको इसके अलावा ग्लोमस ट्यूमर से रिलेटेड कोई और प्रश्न हो तो आप डेफिनेटली हमें कमेंट बॉक्स पर लिख के भेज सकते हैं। हमारा चैनल एडवांस हॉस्पिटल्स ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।